हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आज डिस्कशन करने वाले हैं इसी मैटर पर। दोस्तों, साथ में बहुत से भाई बहनों ने ये भी कहा कि सर, हम अतिथि शिक्षक में कार्यरत थे और हमारा पुराना स्कोर कार्ड है, क्या हम उससे ही आवेदन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हैं, आपका पुराना अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड मान्य है। इस बार नए पंजीयन भी हुए हैं अतिथि शिक्षक में और दस्तावेज सत्यापन के लिए अच्छी खासी भीड़ हो गई थी, इसलिए सत्यापन की डेट भी आगे बढ़ाई गई थी। कई जिलों में तो ये हालात रहे दोस्तों कि 4,120 पदों के लिए 40,000 दावेदारों ने आवेदन कर दिए। अब इन सब के बाद एक बात मन में आती है कि आवेदन आखिर होंगे कैसे? यदि पोर्टल पर हम विषयवार रिक्तियां देखते हैं, और ये है भोपाल की, जैसे आप देख रहे हैं मिडिल स्कूल, और यहाँ पर आप देखेंगे मैथ के संबंध में। अब यहाँ पर वास्तविकता में ये वैकेंसी खाली है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह पर ये कहा जा रहा है कि जो पोर्टल पर शो हो रहा है वो जानकारी अपडेट नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि पहले तो पोर्टल पर देखना है, और फिर आपने जिस भी संकुल में वेरिफिकेशन कराया है वहाँ पर आपको जाना है और पता करना है। यहाँ पर मैंने जितनी भी संकुल से बात की, मैं शिवपुरी ज़िले का रहने वाला हूँ, तो शिवपुरी के संकुलों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, जो पहले से कार्यरत रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वो अतिथि शिक्षक में काम करना नहीं चाहते तो उनसे लिखित में लिया जाएगा कि आप अतिथि शिक्षक में काम करना नहीं चाहते, तो फिर उसके बाद जो है नवीन वहाँ पर पदस्थापना की प्रोसेस शुरू होगी। दोस्तों, अब ये कब से शुरू होगी, इस संबंध में जो है DPI से आदेश आना चाहिए, जो कि आपको इसी पोर्टल पर दिखेगा, जिसे हम गेस्ट फैकल्टी पोर्टल कहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा आदेश शो नहीं हुआ है, लास्ट जो आदेश आया था वो 25/6/2024 को ही आया था। हालांकि दोस्तों, जो चयन की शर्तें हैं वो रखी गई हैं, लेकिन ये तभी लागू होंगी जब DPI से ऑफिशियली जो लेटर जारी हुआ कि किस आधार पर। हालांकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 30% से कम रिजल्ट रहा है, उन अतिथि शिक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना की जाएगी। वो प्रक्रिया आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको अपने संकुल से संपर्क करना होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपको पूरी अपडेट मिलेगी। हालांकि उनके पास अभी ऐसा कोई आदेश है नहीं कि न्यू जो गेस्ट टीचर हैं जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है, जो नई आवेदन है उन्हें किस हिसाब से आवेदन लेना है वहाँ पर, तो इस संबंध में आज या कल में कोई आदेश आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि डेट्स आगे बढ़ाई गई थी वेरिफिकेशन की, उस हिसाब से अब जो है आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो पहले से गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें वहाँ पर प्राथमिकता रहेगी, और कई जगह जो है गेस्ट टीचर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है वहाँ पर जो है नई भर्ती या नए लोगों को मौका मिल सकता है, एक उसकी संभावना है। तो सबसे पहले आप हो सके तो संकुल पर जाएं, या फिर वहाँ से मोबाइल नंबर ले आएं और उनसे संपर्क बनाए रखें। यदि वहाँ पर वैकेंसी खाली है, पोर्टल पर भी दिख रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो है एक सीट बन जाती है गेस्ट की, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अगले वीडियो में उन सभी सवालों को क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।